मेरे लिए जुनूनियत मेरा काम है, वही करने आए मुंबई शहर में, उसी माइंडसेट से आए थे और आई थिंक इंशाल्लाह आज तक वही कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली शो भी वही मिला है जिसमें हम अपना जुनून दिखा सकते हैं। जो कुछ भी आप करो पूरे दिल से करो, वही आपकी जुनूनियत बन जाती है। दोनों के बीच में कभी ऐसा बिग बॉस में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसी जुनूनियत के चलते, पूरी जुनूनियत के साथ ये जुनूनियत भरे रिश्ते और जुनूनियत भरा काम निभाना है। मैं पहले दिन से यही चाहता था कि प्रियंका जीते, ट्रॉफी के इतने करीब आने के बाद वो नहीं हुआ। एक तो मैं 7 हफ्ते बाद मिला था, सबसे पहला सवाल उसने मुझसे यही किया कि मिस किया। जिंदगी और इश्क दोनों में जब जुनूनियत इंतहा पार कर जाती है तो मेरे ख्याल से मेरे साथ जो दो कमाल के अदाकार इस समय मौजूद हूँ वो बताएंगे कि क्या हो सकता है। गौतम और अंकित, पहले तो आपका स्वागत है। आपके लिए जुनूनियत क्या है भाई? मेरे लिए जुनूनियत मेरा काम है, उसके ऊपर मुझे कुछ और समझ नहीं आता और ना ही उसके ऊपर मुझसे कुछ होता। वही करने आए मुंबई शहर में, उसी माइंडसेट से आए थे और आई थिंक इंशाल्लाह आज तक वही कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही चलता रहे और ऐसे ही काम करते रहे, लोगों का प्यार मिलता रहे। आज तक बहुत मिला और बस उसी को फॉलो कर रहे हैं, वही पैशन को। और शो फॉर्चुनेटली शो भी वही मिला है जिसमें हम अपना जुनून दिखा सकते हैं काम के लिए। डिफरेंस ये है सिर्फ, इसमें म्यूज़िक ऐड है एंड आई लव म्यूज़िक और रैप, आई लव रैपिंग और तो इसमें आई एम प्लेइंग अ रॉक स्टार, आई एम प्लेइंग अ रैपर। डिफरेंट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग ऑन टीवी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी नर्वस। आई ऑलवेज मेक श्योर कि यार ठीक ठाक लगे, ऐसा लगे कि नहीं कि लग रहा हूँ मैं वैसा रैपर, तो बस वही कोशिश रहती है, बस उसी पे चल रहे हैं और आगे अच्छा दिखेगा आप लोगों को। यार अंकित, जुनून क्या है, जुनूनियत क्या है आपके लिए? मेरे लिए जुनूनियत आई थिंक जो कुछ भी आप करो पूरे दिल से करो, वही आपकी जुनूनियत बन जाती है। काम करो तो पूरे दिल से करो, वो आपकी जुनूनियत बन जाती है। इश्क मोहब्बत करो पूरे दिल से करो, वो जुनूनियत बन जाती है। इनफैक्ट वर्कआउट भी करो तो पूरे दिल से करो तो वो आपकी जुनूनियत बन जाती है। जिस चीज़ में आप अपना पूरा दिल, पूरा दिमाग, पूरा शरीर लगा दो, वो आपकी जुनूनियत बन जाती है। आपकी जुनूनियत आप लोग के रिश्ते में भी दिखाई देती है, वो चाहे जैसी भी हो आप अपनी तरफ से उसमें अपना जुनून डाल देते हैं, मैंने देखा है। चाहे वो गौतम की बात करूं या आपकी भी, वो आपके फैंस के साथ भी जो आपका रिश्ता है उसमें भी वो जुनूनियत दिखाई देती है। क्या कहना चाहेंगे गौतम आप और आपके? यार यही है कि आई थिंक घर में हम पहले दिन से भी बॉन्डेड वेल और हम दोनों के बीच में कभी ऐसा बिग बॉस में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और बाहर आके भी सेट में को एक्टर्स हम हुए, लेकिन हमने कभी ऐसा कुछ शो ही नहीं करने दिया एक दूसरे को। वी वर्क लाइक अ टीम, लाइक अ ब्रदर, एंड वैसे ही चल रहा है और मज़ा आ रहा है काम करने में साथ में। कोई भी हम दोनों के बीच में ना ही कोई कंपटीशन है और ना ही कोई जेलस है, ना ही कोई बस दोनों में एक ही जुनूनियत है काम करने की, अच्छे से काम करना, अच्छे से सीन करने हैं और जस्ट वॉन्ट अवर प्रोड्यूसर्स, अवर टीम, लोगों को टू फील मेक अस प्राउड। लाइक यही हमारा रहता है कि हम उनको सिर्फ प्राउड करा सकें और अपना बेस्ट दे सकें बस। जी बस वही जैसा मैंने बोला कि जिस चीज़ में दिल लगा दो वही जुनूनियत बन जाती है। रिश्ता है इसके साथ, फैंस के साथ, उसमें पूरा दिल लगा दिया है तो जुनूनियत वो मेरे लिए बन गया है। काम में पूरा दिल लगा रखा है तो वो जुनूनियत बन गया है और इसी जुनूनियत के चलते, पूरी जुनूनियत के साथ ये जुनूनियत भरे रिश्ते और जुनूनियत भरा काम निभाना है। और टीवी में ना इस तरीके का शो, ये अपने आप में एक स्टीरियोटाइप जो है ब्रेक करने वाली बात होती है, क्योंकि जो स्टीरियोटिपिकल शोज देखते हैं वो इस तरीके का एक रिफ्रेशिंग जो कॉन्सेप्ट है वो कम दिखाई देता है। आप दोनों एक अलग ही अंदाज में रॉक स्टार वाला मूड में दिखाई दे रहे हैं, खासकर भाई तो जॉर्डन वाले, और जॉर्डन जब सुनते हैं तो वो रॉक स्टार और रणबीर कपूर और उन सब, और वो ज़बरदस्त गाने, एआर रहमान का म्यूज़िक, वो सब चीज़ों की यादें ताज़ा करवा देता है। भाई पहले तो अपने इस कैरेक्टर के बारे में, आप दोनों अपने अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, और ये जो जैसा मैं बोल रहा हूँ कि एक ढांचा जो बना हुआ है टीवी में शोज़ को लेके, वो तोड़ने वाली जो बात है उसको क्या कहेंगे? आई थिंक फर्स्ट टाइम टीवी में कोई म्यूजिकल शो आ रहा है एंड आई थिंक वी आर ब्लेस्ड इनफ दैट वी आर पार्ट ऑफ दैट जर्नी। और रिस्क है लेकिन इश्क तो है, इश्क तो है और म्यूजिक से इश्क है, काम से इश्क है, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं पे ऑफ करेगा। और डर भी है, नर्वसनेस भी है, एक्साइटमेंट भी है, बहुत कुछ है। जॉर्डन बेसिकली ही इज़ फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली और उसकी बचपन से अपने डैड से कभी बनी नहीं, जस्ट टू गेट दैट एक्सेप्टेंस फ्रॉम द डैड ही वॉन्ट्स टू प्रूव कि वो म्यूज़िक जो उसका पैशन है उसमें ही कैन डू वंडर्स
और उसकी मॉम उसे बहुत सपोर्ट करती है इसके अंदर, विच इज़ बीइंग प्लेड बाय मानसी सालवे. उसका दादा दादी से बहुत अच्छा बॉन्ड है, भाई के साथ, बहन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है उसका सबके साथ, सिर्फ फादर से उसकी बनती नहीं. सो आई थिंक उसकी यही जुनूनियत है कि मैं अपने म्यूज़िक से प्रूफ कर सकूँ अपने फादर को कि मैंने जो भी चूज़ किया है ये मैंने पूरे होशो आवाज़ में और पूरी शिद्दत से किया है, और आई प्रूव हिम रॉन्ग कि खाली बिजनेस नहीं होता इस दुनिया के अंदर, अपना पैशन भी आप फॉलो कर सकते हो. अंकित जी, तो जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ वो है जहान, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कैनेडा, पर दिल से पूरा पंजाबी है, पूरा हिंदुस्तानी है. और उसका जुनून ये है कि वो अपने माँ बाप को वापस इंडिया लेके आना चाहता है. कुछ सालों पहले उसके माँ बाप के साथ इंडिया में कुछ गलत हुआ था जिसकी वजह से उनकी काफ़ी बदनामी हुई, कुछ केसेस उन पर चल रहे थे. तो वो ना अपने पेरेंट्स का नाम क्लियर करना चाहता है, ये उसका जुनून है. और म्यूज़िक एक ज़रिया है जिसके थ्रू वो ये सब करना चाहता है, बिकॉज ही बिलीव्स अगर म्यूज़िक में उसने अपना बड़ा नाम बना लिया तो यू नो एक स्टार बन गया तो वो कुछ भी कर सकता है और जो गलत चीज़ें हुई हैं उनको सुधार सकता है. तो ये कैरेक्टर है. उसके उसका जुनून सिर्फ उसके पेरेंट्स है और म्यूज़िक उन गलत जो चीज़ें हुई हैं उनको सही करने का एक ज़रिया है. भाई कुछ दिनों पहले हमारी बात हुई थी वीडियो के ज़रिए, हम बात कर रहे थे, बहुत ही शॉकिंग डिसीजन जो था वो घर वालों ने जो किया था उस पर था, आप निकल गए थे. आज जिस तरीके का एक डिसीजन आया उस पर आप क्या कहोगे, क्योंकि वो जुनूनियत की जब बात करते हैं तो आपके और प्रियंका की जो दोस्ती वाला जो जुनूनियत है, जो रिश्ते का, उसकी जिक्र किए बिना ये इंटरव्यू शायद अधूरा रह जाए. जी क्या बोलूँ, बस यार अभी जो हो गया हो गया, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था. एंड मैं चाहता था, पहले दिन से चाहता था, और मैं पहले दिन से यही चाहता था कि प्रियंका जीते, प्रियंका विनर बने, और ट्रॉफी के इतने करीब आने के बाद वो नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा बुरा लग रहा है. बट आई थिंक जो प्रियंका का जुनून था लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ने का, और जो मेरा जुनून था उसका वो सपना सच करने का, वो कई काफ़ी हद तक पूरा हुआ है. तो अच्छा है हमारी जुनून. भाई आप दोनों जब परफॉर्म कर रहे थे ना, बहुत ही रॉकिंग केमिस्ट्री लग रही थी, सच बता रहा हूँ मैं. थैंक यू सो मच. गौतम भाई आप क्या? बस यही बोलूँगा यार, जो दोस्ती है, जो केमिस्ट्री है, आई थिंक वो दिखती है ऑन स्क्रीन, तो वो दिखनी भी ज़रूरी है ताकि लोगों को लगे कि एक्चुअली रॉक स्टार परफॉर्म कर रहे हैं. और बस यही कोशिश रहती है, और आई थिंक ऐसे ही आगे चलते रहेंगे और आपको प्यार मिलता रहेगा. आप दोनों लास्ट में जब अपने बाकी कंटेस्टेंट से मिले कैसा रिएक्शन था, और खासकर जब प्रियंका से मिले आप? मैं जब प्रियंका से मिला तो आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर हर यार. मैंने जितना भी उनका जर्नी देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग हर टू बी अ विनर, और मेरे लिए वो विनर हैं क्योंकि जिस स्टाइल में वो बाहर आई हैं घर से, जिस एटीट्यूड और से वो बाहर आई हैं घर से, आई थिंक शी इज़ ऑलरेडी अ विनर फॉर मी. एंड उसके बाद ट्रॉफी किसी को भी मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. भाई आपका क्या रिएक्शन? जब मैं प्रियंका को मिला, एक तो मैं 7 हफ्ते बाद मिला था, तो ऑब्वियसली मैं उसे बहुत मिस भी कर रहा था. मैं घर के अंदर गया, पहला रिएक्शन वॉज She just came running to me and she hugged me, and बहुत ही wonderful moment था. और सबसे पहला सवाल उसने मुझसे यही किया कि miss किया. मैंने बोला बिल्कुल बहुत miss किया, और शायद मुझे realize नहीं हुआ कि मैं कभी life में इतना भी miss कर सकता हूँ. तो मैं actually उसी से मिला, बाकी तो घर में सबसे जितने भी लोगों से मिला सबसे normal हाय हेलो. I am not somebody जो ऐसे दोस्तियाँ बहुत अच्छे से निभा पाए या रिलेशनशिप बहुत अच्छे से निभा पाए, जो उनमें एफर्ट्स डाल पाए, वो बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके साथ मेरा वो साइड देखने को मिलता है. और वो बहुत ही रेयर लोग हैं जिनमें से एक प्रियंका है. तो आई थिंक उसी के साथ मेरा बॉन्ड है आउट ऑफ ऑल द कंटेस्टेंट्स. थैंक यू अंकित एंड गौतम वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, और ये जो जुनूनियत है आप लोग के काम के लिए,
आप अपने फैंस के साथ जो कनेक्शन बनाते हो उसके लिए वो हमेशा दिखाई देती है, और उम्मीद करता हूँ जितना प्यार आप लोग को आज तक मिलता है उससे ज़्यादा इस शो के लिए भी मिलेगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू भाई।